हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो दोस्तों इस मिनी कूलर मोटर को रिपेयर करना है, जिसमें क्या प्रॉब्लम है, यह घूम क्यों नहीं रहा है, चलिए देखते हैं। इसमें 2.5 MFD का कैपेसिटर लगा होता है और इसकी ब्लेड साइज 12 इंच होती है और इसमें 9 इंच की ब्लेड साइज भी रहती है। तो देखिए दोस्तों, सीरीज बोर्ड में जब हम इसके कनेक्शन को देते हैं तो सीरीज बोर्ड ग्लो कर रहा है, बल्ब जल रहा है, पर मिनी कूलर मोटर घूम नहीं रहा है। तो अब हम इसे सीरीज बोर्ड के द्वारा टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कैपेसिटर कनेक्शन को बाहर निकाल लेते हैं इस प्रकार, और अब हम इन कैपेसिटर वायर को सीरीज बोर्ड के द्वारा टेस्ट करते हैं। तो मैंने स्विच सीरीज बोर्ड में लगा दिया है और इसके वायर आपस में शॉर्ट करते हैं तो बल्ब ग्लो करने लगता है। अब हम सीरीज कनेक्शन या कैपेसिटर कनेक्शन को टेस्ट करते हैं तो बल्ब धीमा ग्लो कर रहा है, और हम एसी कनेक्शनों को टेस्ट करते हैं तो बल्ब अधिक रोशनी दे रहा है। इस और अब हम इसे बॉडी शॉर्ट भी टेस्ट कर लेते हैं तो बॉडी शॉर्ट भी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि मिनी कूलर मोटर सही है। इसकी प्रॉब्लम इसकी शाफ्ट है और इसके बुश हैं, जिन्हें कि हम इन रिप्टों के द्वारा बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इनके स्टड नट जो रहते हैं इन्हें खोल लेते हैं, और इस प्रकार हम कवर से रोटर को बाहर निकाल लेते हैं। यह देखिए दोस्तों, यह इसका रोटर है और यह इसकी शाफ्ट है। तो शाफ्ट पूरी तरह खराब लग रही है दोस्तों। इसके ऊपर जब हम उंगली को घुमाते हैं तो महसूस होने लगता है कि शाफ्ट कट गई है और इसकी जो चमक रहती है, फिनिशिंग रहती है, वह भी खराब हो गई है और इसके रोटर पर भी रगड़ आ गई है। तो यह इसके बुशें, जिन्हें कि हम चेंज करेंगे। दोनों कवर के बुश खराब हो गए हैं। तो यह देखिए दोस्तों, दोनों कवर में बुश लगे हुए हैं और यह रोटर में शाफ्ट लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस शाफ्ट को चेंज करेंगे। तो इसके प्लास्टिक वाशर को बाहर निकाल लेते हैं और अब हम इस शाफ्ट को इस प्रकार पकड़ते हैं और इस प्रकार ठोकने पर यह शाफ्ट रोटर से बाहर निकल आता है। यदि नहीं निकलता है तो हम इस लोहे के पाइप को ऊपर रखकर इसके ऊपर ठोकर लगाते हैं तो यह शाफ्ट आसानी से रोटर से बाहर निकल आएगा। एक पाइप के ऊपर इस प्रकार रोटर को रखते हैं और ऊपर से शाफ्ट पर ठोकर लगाते हैं तो आसानी से शाफ्ट बाहर निकल आती है। शाफ्ट बाहर निकल आई है दोस्तों। अब हम इसमें नया शाफ्ट ऐड करते हैं, इसके ऊपर हम इस पाइप को लगाते हैं और अब हम इसके ऊपर ठोकर लगाते हैं। तो शाफ्ट हमने ऐड कर ली है दोस्तों और इसके प्लास्टिक बासर को भी इसमें लगा लिया है। अब हम इसमें बुश
को लगाकर देखते हैं तो यह अच्छी तरह घूम रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। अब हम इन रिप्टों को बाहर निकालेंगे, जिसके लिए हम इस बोल्ट का उपयोग करते हैं, जिसको रिप्ट के नीचे रखते हैं और ऊपर से इस नुकीले कीले को इस प्रकार रखते हैं और इसके ऊपर ठोकर लगाते हैं तो यह रिप्ट बड़ी ही आसानी से कवर से बाहर निकल आती है। इसी प्रकार हम सभी रिप्टों को बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, रिप्टों को बाहर निकालने के बाद बड़ी ही आसानी से बुश बाहर निकल आता है। यह बुश को प्रेस करने वाली पत्ती है दोस्तों। यह बुश है और यह रुई का रिंग होता है, जिसमें कि ऑयल डाला जाता है। यह तो अब हम इस रुई के रिंग पर नया बुश ऐड करते हैं और उसे ऑयल से लुब्रिकेट कर लेते हैं। इसके बाद यह बुश प्रेस पत्ती को बुश के ऊपर रखकर इस कैप को रखते हैं और अब हम इसमें इन रिप्टों को लगाकर ठोक देते हैं तो बुश कवर में ऐड हो जाता है। रिप्ट को ठोकने के लिए इस प्रकार की लोहे की रॉड का उपयोग करते हैं दोस्तों। इस प्रकार हम इस मिनी कूलर मोटर के बुशों को बड़ी ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने बुश को इस कवर में ऐड कर लिया है। इसी प्रकार हम दूसरे कवर के बुश को भी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी रिप्ट को बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद इस प्रेस पत्ती को और इस रुई के रिंग को बाहर निकाल लेते हैं। यदि यह रुई रिंग खराब हो जाता है तो हम इसमें नया रुई का रिंग डालेंगे, जिसे कि हम नब्दा भी बोलते हैं, और इसमें ऑयल को अच्छी तरह डालते हैं। डालने के बाद यह बुश प्रेस पत्ती को लगाते हैं और इसके बाद यह कवर भी इसमें लगाकर रिप्ट को लगा देते हैं। तो मैंने बुशों को और इस शाफ्ट को चेंज कर लिया है दोस्तों। अब हम इसे स्टेटर में सेट करते हैं। शाफ्ट के ऊपर ऑयल डाल लेते हैं और देखिए दोस्तों, रोटर अच्छी तरह घूमने लगा है। अब हम इसके आगे वाले कवर को भी इसमें सेट कर लेते हैं और इसके स्टड को लगाकर इसकी डिवरियों को अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं दोस्तों। इस प्रकार तो देखिए दोस्तों, मिनी कूलर मोटर अच्छी तरह से घूमने लगा है। अब हम इसके कैपेसिटर कनेक्शन को कर देते हैं और इसमें टेप लगा देते हैं। अब हम इस मिनी कूलर मोटर को सीरीज बोर्ड में टेस्ट करेंगे दोस्तों, तो यह सीरीज बोर्ड में ही घूमने लगेगा।
अब हम स्विच को ऑन करते हैं तो देखिए दोस्तों मोटर अच्छी तरह से घूमने लगा है, वर्क करने लगा है। इस प्रकार हम बड़ी ही आसानी से इस मिनी कूलर मोटर के बोस आसानी से बदल सकते हैं, शाफ्ट को बदल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आज की इतनी ही थी। वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।